देखिए, आज हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में एक बड़ी मील का पत्थर माना जाएगा। संजय सिंह जी को बेल सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच ने दी है, और इस बेल को देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न केंद्र सरकार के वकील से पूछे, उनके जवाब उनके पास नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, एक आदमी है दिनेश अरोड़ा, उसके एक दो बार नहीं 10 बार अलग अलग बयान दर्ज किए गए। 10 के 10 बयानों में उसने संजय सिंह का कोई जिक्र नहीं किया। आपने उसको अरेस्ट किया, उसको सरकारी गवाह बनाया, फिर आपने उसको दोबारा अरेस्ट कर लिया, और फिर आप उसका एक 11वां बयान लेते हैं जिसमें वो संजय सिंह के विरोध में एक गोलमोल स्टेटमेंट दे देते हैं। तो ये कौन तय करेगा कि 10 स्टेटमेंट गलत थी और 11वीं स्टेटमेंट सही थी? दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने पूछी, इस पूरे के पूरे मामले में मनी ट्रेल कहां है, पैसे की रिकवरी कहां है? पैसा अगर कहीं खर्च हुआ तो आप बताइए कहां है। जो आपके गवाह हैं वो विश्वास योग्य नहीं है, जिसने पैसे दिए वो नहीं बोल रहा, जिसने पैसे लिए वो नहीं बोल रहा। तो ये पूरा का पूरा केस जो है डगमगाने लगा। और जब सबसे बड़ी अदालत की तरफ से बेल मिलती है तो इसका मतलब ये है सेक्शन 45 PMLA के तहत अगर बेल मिलती है और बेल अपोज की जाती है तो ये माना जाना चाहिए कि कोर्ट को लगा कि इस मामले के अंदर संजय सिंह दोषी नहीं है, इनोसेंट है। तो इसके बड़े रिपरकशन से बचने के लिए आज उनको बेल दी गई है, और हम इसका स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो उनके प्रवक्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि देखो बेल भी नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही इसका मतलब ये है कि संजय सिंह दोषी हैं, तो आज बेल मिल गई। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी मैं ये भी बता देता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी कह देगी, अरे क्या हो गया, बेल मिल गई, बेल मिल गई, कोई रिहाई कोई ना हो गई। तो ये अब भारतीय जनता पार्टी सिचुएशन को पलटेगी। आगे आप क्या उम्मीद रखते हैं, जो तमाम आपके जो लीडर्स जेल के अंदर हैं उनको भी राहत मिलेगी? देखिए, हमें उम्मीद है कि एक एक करके सभी नेताओं को राहत मिलेगी।